चैत्र नवरात्र विभिन्न संयोगों के बीच मनाए जाएंगे। नवरात्र 22 मार्च को शुरू होंगे जो कि 30 मार्च तक चलेंगे। इस दौरान शक्ति की भक्ति की जाएगी, व्रत पूजन व उपवास किए जाएंगे, जगह जगह धर्म ध्यान अनुष्ठान किए जाएंगे। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, इनमें से चैत्र व शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व माना गया है। वार तिथि नक्षत्र व विशेष योग नवरात्र को खास बनाएंगे। नवरात्र का हर दिन विशेष रहेगा। ज्योतिषाचार्य शिव प्रकाश दाधीच के अनुसार चैत्र नवरात्र बुधवार से शुरू हो रहे हैं। इस दिन से पिंगल नामक संवत भी शुरू होगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्र पर माता का वाहन नाव होगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार नवरात्र के प्रारंभ में बुधवार व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। शुक्ल ब्रह्म योग भी इस दिन बनेगा। इन संयोगों के बीच धर्म ध्यान व अनुष्ठान विशेष रहेंगे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन बन रहे शुभ योग में घट स्थापना लाभदायक और उन्नति कारक रहेगी। इस वर्ष माँ दुर्गा जी का आगमन नौका पर होगा। शास्त्रों में माँ के इस रूप को भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। शेष नवरात्र में भी विशेष योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 23, 27 और 30 मार्च को स्वार्थ सिद्धि योग, वहीं 27 और 30 मार्च को अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। इस दौरान 24 मार्च को रवि योग रहेगा। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। चैत्र माह शुरू होते ही सभी के घरों में नवरात्रि की तैयारी शुरू हो जाती है। ये पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष विधि विधान होता है। माँ दुर्गा भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के मौके पर भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा करने वालों की माँ दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। घट स्थापना से कुछ घरों में अखंड ज्योति जलाने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना करने से 9 दिन तक माँ दुर्गा घर में वास करती है। 22 मार्च 2023 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक रहेगा। घर में कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा की पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार शक्ति की उपासना का त्यौहार बेहद दुर्लभ संयोग बना रहा है। इस बार शुरुआत में शुक्ल और ब्रह्म योग हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 22 मार्च को ब्रह्म योग सुबह 9:18 से 23 मार्च को सुबह 6:16 तक रहेगा। वहीं शुक्ल योग 21 मार्च को सुबह 12:42 से 22 मार्च को सुबह 9:18 तक रहेगा।